तो काफी सारे लोगों का डाउट है कि अगर हम क्रेडिट कार्ड से रेंट पेमेंट करते हैं तो बैंक हमको कितने परसेंट का चार्ज करता है। ये मैं कोटक बैंक एप्लीकेशन से दिखा रहा हूँ, यानी कि कोटक बैंक क्रेडिट कार्ड की हेल्प से, और बाकी सारे जो आपको HDFC बैंक है, इसके बाद एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड है, तो सारे में भी ये जो रूल है 1% का चार्ज जो है वो सेम है। तो मैं यहाँ पे क्रेडिट कार्ड में आ जाता हूँ और यहाँ पे ओवरव्यू पे आ जाता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो है मैंने अभी कुछ टाइम पहले ही, यानी कि 2 जून को, और आज डेट हो रहा है 6 जून हो रहा है, ऊपर में देख सकते हैं, तो 4 दिन पहले करीब मैंने जो है वो 5300 रुपये सेंड किए थे अपने क्रेडिट कार्ड से, इस क्रेडिट कार्ड से अपने बैंक अकाउंट में, यानी कि अपने फ्रेंड के बैंक अकाउंट में। तो उसके लिए मुझे 1% का बैंक ने जो है वो चार्ज किए हैं, जैसे कि देख सकते हैं 5406 रुपये टोटल जो है मेरे को चार्ज किए गए थे, लेकिन मैंने जो है वो 5300 रुपये सेंड किए थे। मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हैं 5300 रुपये मैंने सेंड किए थे और 106 रुपये का चार्ज जो है मुझे 2% के हिसाब से फ़ोनपे ने चार्ज किया था। फ़ोनपे की एप्लीकेशन की हेल्प से जो है मैंने बैंक ट्रांसफ़र किया था अमाउंट को, तो 106 रुपये तो चार्ज किया था फोन पे ने, तो टोटल हो गए 5300 प्लस 106 रुपये 5406 रुपये, और 5406 रुपये पे 1% का जो है बैंक ने चार्ज किए। अगर आप इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो देख सकते हैं 54.6 पैसे, यानी कि आपको 1% का इंटरेस्ट लग गया, और यानी कि चार्ज कर सकते हैं, यहाँ पे लिखा भी हुआ है रेंट फी। और इस 54 रुपये को अगर आप 18 से मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे 100 से, जो कि 18% का GST होता है, तो वो टोटल जो है वो 9 रुपये 73 पैसे आएंगे। तो कुल मिला के ये है कि जो बैंक ने टोटल चार्ज किए वो 54 रुपये और प्लस 7 रुपये 73 पैसे, 170 रुपये में जो चार्ज किए गए टोटल, यानी कि बैंक का और फोन पे का चार्ज मिला के 170 रुपये चार्ज किए गए, और मैंने जो है वो बैलेंस ट्रांसफर किए थे 5300 रुपये। तो 5300 से डिवाइड करके अगर मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो आप देख सकते हैं जो आपका टोटल चार्ज किया जाता है वो 3 रुपये, यानी कि 3.2% का, यानी कि यूँ कह सकते हैं कि अगर आप 100 रुपये अपने क्रेडिट कार्ड से बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं तो आपको जो है टोटल 3 रुपये 2 पैसे का चार्ज किया जाता है, जो कि हमारे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा है। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत ना हो तब तक आप जो है किसी भी क्रेडिट कार्ड से, जिसमें रेंट पेमेंट के लिए आपको 1% का चार्ज लिया जाता है, तो उस वाले क्रेडिट कार्ड से जो है वो अपने बैंक अकाउंट में बैलेंस ट्रांसफ़र ना करें। ये काफ़ी हाई है, अगर इसको देखा जाए तो आपको 3 रुपये 100 रुपये पे एग्जैक्ट लग जाता है। तो आई होप कि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। फिर भी कोई अगर आपका डाउट है क्रेडिट कार्ड और बैंकिंग से रिलेटेड तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं आपको वहाँ पे जरूर ही गाइड कर दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। बाय बाय।